हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और मेरा हाल तो देखिए, आप देख ही सकती हैं, मेरे दो दो भगोने जल चुके हैं और एक भगोने में दो तीन बार चाय गर्म कर ली, तो ये इसका हाल हो गया है। और आप देखेंगे अभी दूसरे वाले भगोने में जो मैंने साबूदाना की खीर बनाई थी, तो वो खीर चिपक गई है और जल गई है भगोनी। तो अभी व्रत चल रहे हैं मेरे, तो मैं इसको चढ़ा दिया मैंने खीर को, और फिर मैं भूल गई इसको चलाना, और ये तेज़ फ्लेम हो गई गैस की, तो बस ये हाल हो गया है। तो मैं काफ़ी धुल चुकी हूँ, उसके बाद ये ऐसी निकली है। तो अब मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं हम, जब कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ रोज़ ही ऐसा हो, रोज़ तो नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। तो हम किस तरीके से क्लीन करेंगे, और बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं करना है, मतलब मैं आज बता रही हूँ आपको कि हमें इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ओनली पानी डालना है। तो भगोने में भर दिया है मैंने पानी, और ये पानी उतना भरना है जहाँ तक जली हुई है हमारे बर्तन। तो ये देखिए, मैंने गैस पर रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया था। अब दूसरे भगोने में भी भर के और इसको भी रख दूँगी। तो बस मैं और कुछ नहीं करूँगी इसमें, और मैं अब आपको कुछ और दिखाऊँगी भी नहीं, मैं बिल्कुल ईजी तरीका बताऊँगी आपको कि आप इतनी सरल तरीके से क्लीन कर सकते हो, और मेहनत या उसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब मैंने इसको पानी में चढ़ा दिया है गैस पर, और गैस पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे जब तक इसमें एक बॉयल आता है बस, और इतना ही गर्म करना है। और आप देख सकते हैं इनकी गंदगी तो वैसे ही निकलना शुरू हो गई है। और एक चम्मच डाल देंगे हम डिटर्जेंट पाउडर, आप चाहें तो विम लिक्विड डाल सकते हैं, और या फिर कोई भी डिटर्जेंट डाल दें। ये देखिए, तो मैंने बस वही डाला है, और मैंने कोई सोडा और विनेगर और ये वो कुछ भी नहीं यूज़ किया है, और ना ही मैं कुछ करूँगी, सिर्फ सिंपल पानी और डिटर्जेंट पाउडर, ये दो चीज़ें मैंने डालनी है। और बस इसके बाद इसको थोड़ा सा चला देना है, क्योंकि मैं चम्मच से थोड़ा सा चेक कर रही थी कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो बहुत ही आसानी से निकल रहा था। और इस तरीके से हम अपने बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं जब ऐसी हालत हो बर्तनों की। तो और वैसे तो रोज़ रोज़ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभार हमारी गलती से, तो हमारी गलती हो जाती है, नहीं देख पाते हैं और जल गई, तो सब भी हमें ही करना होता है, कोई वो नहीं होता है उसमें। और ये देखिए, मैं इसको चला रही हूँ अच्छे से, और चम्मच से खरोच रही हूँ नीचे को, यहाँ पे जैसे इस तरीके से जम जम जाता है ना, वो जमा हुआ था उसका कालापन जो जला गया था, तो उसको ऐसे कर रही हूँ। तो मुझे समझ में आ रहा है भाई, मैं कर रही हूँ थोड़ा सा खरोच रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत आसानी से निकल रहा है, जो भी चिपका हुआ था बहुत आसानी से बिल्कुल ऐसे निकल रहा था, बिल्कुल हल्के हाथों से। और तो मैं दोनों के ऐसे इसी तरीके से खरोच दूँगी, और खरोच उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा कितना कचरा जो है ऊपर आ गया है। देख सकते हैं आप, कचरा ऊपर आ चुका है, और अब उसमें वैसे कुछ ज़्यादा बचा नहीं होगा। वैसे पानी मैंने निकाल, अब खोल चुका था पानी, तो मैंने भगोनी को निकाल लिया है, तो अब मैंने सिंक में रख लिया है। तो एक उसमें हम दो दो काम कर लेंगे, और हम लोगों की यही आदत होती है लेडीज़ की। तो ये देखिए, मेरे सिंक का पाइप जो है, अगर वो थोड़ा बहुत जाम होगा तो वो भी सही हो जाएगा। ये देखिए, मैंने खोलता हुआ पानी निरमा का इसमें डाल दिया है, तो ये उसको भी बहुत असर करता है, सिंक जो हमारे जैसे कभी कभार हो जाती है ना, बंद हो जाती है, उसमें कचरा वचरा फंस जाता है। तो ये इस तरीके से गर्म पानी अगर हम डाल देते हैं ना, तो कम खतरा रहता है उसके फंसने का, क्योंकि वो जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो ऐसे निकल जाती है। और ये देखिए, इसके बाद मैं इसमें रख लूँगी, पूरा पानी नहीं फेंकूँगी, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आप देख सकते हैं भगोनी काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो गई है। और ये मतलब इसका गर्म करने का मतलब मेरा ये था कि ये हमें मेहनत ना करनी पड़े, तो अब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये आसानी से छूट जाएगा हमें। आप देख सकते हैं चम्मच से कितनी आसानी से छूट रहा है, मतलब मैं भी वो गंदगी जितनी भी है देखिए आप छूटी थी, सब निकाल के दिखा रही हूँ, तो कितनी आसानी से निकल रहा है। तो बस अब हमें मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, बस ऐसे ही स्टील का चूना लेके रगड़ देंगे तो बस क्लीन हो जाएगी। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को मेहनत से बचाना, क्योंकि मेहनत हम लोग वैसे भी घर में इतना पूरा दिन काम ही तो करते हैं, और ऊपर से ये जल जाए बर्तन, तो फिर ये क्लीन करना भी बहुत मेहनत का काम होता है, आप समझ सकते हैं। और मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं घर का काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि हमें यहाँ कितनी मेहनत लगती है। और ये देखिए, जितनी भी गंदगी इसकी निकली थी वो मैं अभी रख दूँगी, फेंकूँगी नहीं, और इसके बाद मैं इसको दोबारा से
ये देखिए गंदगी देखिए आप कितनी निकली है। तो मैं कह रही थी कि फिर मैं इसको स्टील वाले चूल्हे से और अच्छे से लगा दूंगी, क्योंकि इसमें हमें और कुछ नहीं लगाना है, स्टील का चूल्हा ही लगाना है। और हमने इसमें ऐसा कुछ लगाया ही नहीं है क्लीन करने के लिए। बिल्कुल आसान तरीका है ये, और मेहनत भी नहीं लगी है इसमें, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बिल्कुल हल्के से हो जाता है। और देखिए जब जली है थोड़ा बहुत, हम जब बर्तन भी धोते हैं तो इतना तो हमें क्लीन करना ही होता है, तो अब ये कोई मेहनत नहीं कहलाती है। लेकिन अगर जिस हिसाब से अगर देखा जाए, जैसी वो जली थी उसमें कितना मेहनत लगी थी लगनी थी, वो उससे बच गए हम लोग और ये आसानी से हो गया। और ये थोड़ा सा इसकी स्टील उतनी अच्छी नहीं है इस वाले भगोने की, तो ये थोड़ा सा पीछे साइड से काली काली सी रहती है और ये हमेशा ही ऐसी रहती है। और जो दूसरी वाली भगोनी है उसकी स्टील अच्छी है, तो वो क्लीन रहती है। थोड़ा सा बस स्टील का अंतर है इन दोनों भगोनियों में। देखिए ये वाला भी मैंने उतार लिया है पानी, और इसका भी पानी मैं यहाँ पर डाल दूँगी, और कुछ इसका जो पानी बचेगा तो वो मैं अपने वॉश बेसिन वाले उसमें डाल दूँगी, क्योंकि उसमें भी उसका पाइप भी साफ़ हो जाएगा। तो डाल के आ गई हूँ मैं, और आप देख सकते हैं इसमें कम ही पानी है, तो इसको निकाल लूँगी, क्योंकि अभी हमें क्लीन करने के लिए भी चाहिए होगा। तो इसका भी यही हाल है, आधे से ज़्यादा हो चुका है, बस हमें थोड़ा सा बचा है, तो बस जूना लगाना है इसमें स्टील का, और बस ये भी क्लीन हो जाएगी। तो आज का जो तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और बहुत ही सरल तरीका बताया मैंने। मैंने कोशिश करती हूँ हमेशा कि कुछ ऐसे इजी से तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को मेहनत भी ना करनी पड़े और हमारा फालतू में ऐसे इस तरीके से कोई ज़्यादा नुकसान भी ना हो, कुछ हमें खर्चा भी ना उठाना पड़े। अब जैसे कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि इतना ज़्यादा जल गया, तो उसमें उसके लिए हमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होता है, और केमिकल वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने पीने के बर्तन हैं और किचन के बर्तनों में तो केमिकल कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए। मैं YT पे देखती हूँ ऐसे वीडियो, तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी इसमें गंदगी निकल रही है, काला काला सा पानी हो गया है पूरा नाली जैसा। और वो ये वही निरमा का पानी मैंने बचा कर रखा हुआ है, ताकि मैं अभी इन बर्तनों को क्लीन करने में ये सब अभी काम आएगा। तो देखिए मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ, तो ये देखिए मैं कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी मुझे, और मैं बस थोड़ा सा, अब इतना तो हमें वैसे भी कोई भी बर्तन हो तो इस तरीके से तो क्लीन करते ही हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी है कि पानी में डुबोया और निकाल दिया है, तो बस उतना ही करना है जितना हम नॉर्मली बर्तन धुलते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। बस वो गर्म हो जाता है पानी, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट होता है, तो वो अपने आप बिल्कुल ढीला हो जाता है, जो मतलब जैसे जल गया है तो वो अपने आप छोड़ देता है इस तरीके से। और बस अब आप देखेंगे कि ये मेरा क्या है कि ये वाली भगोनी तो थोड़ा सा अच्छी वाली स्टील है इसकी, और वो दूसरी वाली जो आपने देखी होगी वो उसमें पीछे साइड काला काला सा लगता है, तो वो स्टील की वो है, वो गंदी नहीं है, वो इसका स्टील थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का नहीं है, ये देखिए ये वाला। और ये दूसरी वाली भगोनी जो है ये बिल्कुल क्लीन है, तो स्टील का अंतर है उसमें और वो गंदी, ये दोनों साफ ही हैं। और ये देखिए दोनों भगोनियाँ मैंने जो है अपनी साफ कर ली है, और अब मैं ध्यान रखूँगी क्योंकि मेरा व्रत चल रहा है, और व्रत में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम वैसे ही होता है, और फिर अगर ये बर्तन जल जाए तो फिर थोड़ा सा और हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है इसीलिए कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो जाए तो आप इतनी आसानी से और ऐसे कर लें, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं भगोनी मेरी कितनी अच्छे से चमचमा गई हैं, बिल्कुल ऐसे लगने लगी हैं नई सी, और सिंक भी साफ़ हो गई है क्योंकि मैंने उसमें भी वही पानी डाल दिया था। तो इस तरीके से कर लेंगे हम इसको क्लीन। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और जो लोग मेरे वीडियो में नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दें। और आप देख सकते हैं मेरी भगोनी कितनी प्यारी लग रही है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे हम आपको अगले न्यू वीडियो में और आसान सी ट्रिक लेके। तो बाय बाय फ्रेंड्स।